नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो सोच समझ के बोलिए। अगर आपके अंदर सोचने की शक्ति ही नहीं है, दिमाग नहीं है, तो बोला मत कीजिए। यही वाक्या हुआ है महाराष्ट्र के पालघर जिले में दो साधुओं की हत्या के बाद कांग्रेस अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी काफी चर्चा में है। अर्नब गोस्वामी का आरोप है कि उन पर बीती रात हमले की कोशिश हुई। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ट्विटर पे एक बात कही थी कि कबीर दास जी की दो लाइनें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि अपने स्वभाव को नम्र रखने की सलाह दी है, अपने स्वभाव को नम्र रखें। पर अखिलेश यादव जी ने जो वो दो लाइन लिखी थी वो सबको समझने लायक है। मन का ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई, औरत को शीतल करे आपहु शीतल होई। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने के चलते नागपुर में केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें आरोप है कि उन्हें पालघर लिंचिंग घटना के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। वो कौन होते हैं किसी को जिम्मेदार ठहराने वाले? वो उधर सामने थे, उनके पास सबूत था तो क्यों नहीं दिया? डायरेक्ट किसी के ऊपर ब्लेम करना सही बात नहीं है। चाहे विपक्ष हो, चाहे टीवी एडिटर हो, चाहे एंकर हो, कोई भी हो, उनको डायरेक्ट ब्लेम करने की किसी पे वो नहीं करनी चाहिए। किसी के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम नहीं करना चाहिए। इस मामले में उनके ऊपर भी केस दर्ज किया है। डीसीपी विनीता साहू ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सेक्शन 117, 120B, 153A, 153B, 295A, 290A, 500, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी एक केस दर्ज किया हुआ है। अर्नब गोस्वामी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उन पर कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। जब वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई स्थित रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो से अपने घर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। दोस्तों, ये वाक्या जो है वो अर्नब गोस्वामी ने खुद अपनी मुसीबत अपने सिर पे ली, ऐसा बोला जाएगा। और अखिलेश यादव जी ने जो नसीहत दी है, वो नसीहत पे अगर चले कोई भी टीवी एंकर, कोई भी टीवी चैनल के लोग हैं, सब अच्छे से चले, जो अच्छी पारदर्शी अच्छे से अगर वो करेंगे एंकरिंग तो अच्छा रहेगा। किसी का सपोर्ट मत कीजिए, जो सच्चाई वो बताइए लोगों को। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, नमस्कार।